हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है निशांत। तो आप देख रहे हैं क्रेजी निशांत। तो आज की फ़ोटो एडिटिंग है कुछ अलग टाइप की। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप पहले तो पिक्सार्ट ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास पिक्सार्ट नहीं हो अपडेटेड वर्जन में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड आपको ओपन करना है पिक्सार्ट में। फिर ऐड फोटो पर जाकर अपने एक मॉडल का बीएनजी ऐड कर लेना है, कोई भी। उसका बैकग्राउंड पहले से मैंने क्रॉप करके रखा है। अगर आपको नहीं आता क्रॉप करना तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपके लिए उसी तरह की एक वीडियो ला दूंगा। फिर हमारा मॉडल यहाँ पर ऐड करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम करके इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। फिर इरेजर से कोई राइट साइड वाला पोर्शन इरेज कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर टर्न करके कॉपोसिटी फुल कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक पर क्लिक करके डन कर देंगे। फिर एड फोटो पर जाकर और एक पीएनजी लेंगे जो कि पीयर का है। तो इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर कुछ इस तरह से फिर इसे लेयर पर जाके मूव डाउन कर देंगे, ताकि हमारे मॉडल के फोटो के नीचे के हिस्से की तरफ चला जाए। फिर यहाँ से सिंपली डन करके फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और एक डॉग का पीएनजी ऐड करेंगे। इसे कुछ इस तरह यहाँ पर बड़ा करके सेट कर देंगे और फिर सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और एक डॉग का पीएनजी है उसे भी ऐड कर लेंगे, और इसे कुछ इस तरह यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट करके सेट कर देंगे। तो यहाँ पर फोटो हमारी पूरी तरह से पिक्सार्ट में काम हो चुका है। अब हम बाकी की कलर एडिटिंग फ़ोटो की लाइट रूम में करने वाले हैं। अगर आपके पास लाइट रूम भी नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अब हम सिंपली ड्रॉटर पर जाके फ़ोटो को सेव कर देंगे और फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लेंगे। पहले तो हम लाइट रूम ओपन करेंगे, फिर नीचे प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ़ोटो को इम्पोर्ट कर देंगे, और फिर ऑल फोटोज़ में जाकर फ़ोटो को लाइटरूम में ओपन करेंगे। फिर हम कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मिक्स पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन कम कर देंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, और फिर रेड कलर सेलेक्ट करेंगे। इसका सैचुरेशन हम नॉर्मल बढ़ा लेंगे, ल्यूमिनस कम कर देंगे। फिर हम येलो कलर सेलेक्ट करके उसके भी सैचुरेशन बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस कम कर देंगे, लेवेंडर कलर का सैचुरेशन पूरा माइनस कर देंगे। डन करके बाहर आएंगे और टेम्परेचर 6 तक बढ़ा लेंगे, +6। वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे नॉर्मल, सैचुरेशन को नॉर्मल कम कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टूल पर जाएंगे, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, और फिर स्प्लिट टोन पर जाकर फ़ोटो में कुछ येलोइश टोन लाने के लिए हम थोड़ा येलोइश कलर चूज़ करेंगे। तो आप सेटिंग्स देख लेना ध्यान से, H76 और सेचुरेशन 5 तक, ठीक है। फिर सिंपली डन करके बाहर आएंगे, फिर विगनेट कम कर देंगे फ़ोटो का, नॉर्मल ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टूल पर जाके फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन बढ़ा लेंगे और कलर नॉइज रिडक्शन नॉर्मल बढ़ा लेंगे। फिर इसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे नॉर्मल। फिर इसके बाद हाईलाइट्स को भी बढ़ा लेंगे, शेडो को कम कर देंगे, वाइट को कम कर देंगे नॉर्मल, और ब्लैक को भी कम कर देंगे। तो भाई, यहाँ पर हमारा लाइट में पूरा काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फोटो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।